बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो हमारी डिस्पोजेबल गत्ता प्लेट्स वाली मशीन के बारे में है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास तकरीबन कस्टमर जो हैं वो ज़्यादातर जो है चार डाई वाली मशीन ख़रीदते हैं। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो ये डबल मशीन हो जाती है, दूसरा इसकी 40% कॉस्ट जो है दो मशीनों की निस्बत कम होती है। फ़र्ज़ करें अगर आप दो मशीनें लेते हैं तो वो तकरीबन 3.5 लाख के करीब चली जाती हैं, और ये जो मशीनें हैं ये उस हिसाब से 40% जो है आपको डिस्काउंट में दो मशीनें एक बॉडी के अंदर मिल जाती हैं। यहाँ पर आपके सामने हमारे पास दो मशीनें हैं, एक के ऊपर डाइयाँ फिट की हुई हैं और दूसरे के ऊपर हमने जो है वो ब्लेड रखे हुए हैं, इसके कटर रखे हुए हैं ताकि यहाँ पर हम गत्ते की कटिंग कर सकें। चूँकि हमारे पास मशीनें दो हैं तो हमने इसलिए इस तरीके से किया है। वीडियो के अंदर जो है वो आपको जल्दी जल्दी समझा सकते। आपने जब सिंगल मशीन लेनी है तो ये चारों डाइयाँ जो है ये उतार लेनी है। डाइयाँ उतार के जिस तरह से ये बना हुआ है ऐसे प्लेन हो जाएगा। इसके नीचे आपने लकड़ की या कोई और चीज़ ऐसी रख लेनी है, उसके ऊपर आपने गत्ता रखना है। ऊपर आपने वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम सारा दिखाएंगे, उसके ऊपर आपने ये ब्लेड रख देना है। तो ये डाइयाँ उतार के आप गत्ते की कटिंग कर लें। गत्ते की कटिंग करने के बाद जितना भी गत्ता आपने बनाना है, 100 किलो है, 150 किलो है या 200 किलो है, उस गत्ते की सारे जो हैं वो आप कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद फिर आप डाइयों के अंदर रखें और उसकी जो है वो आप जो शेप है वो बना लें। तो सबसे पहले हम जो है वो बाकी भी इंशाल्लाह ताला मशीन की मैं बाकी मालूमात भी दूंगा, कारोबार के हवाले से भी मैं इसकी सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो के अंदर दूंगा, आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। तो सबसे पहले हम आपके सामने जो है ना इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करने के लिए हमने नीचे लकड़ी का पीस रखा हुआ है ताकि ब्लेड की ये जो धार है ये आगे से ये ख़त्म ना हो, ख़राब ना होगा। ज़ाहिर है नीचे लोहा होगा तो ये ब्लेड की जो धार है वो ख़राब हो जाएगी। तो उसके लिए नीचे से हमने गत्ता रखा हुआ है, सॉरी लकड़ी रखी हुई है, तो इसके ऊपर हम गत्ता रखेंगे। ये हमारे पास गत्ता है। गत्ता मैं आपको पहले बता दूं, गत्ता हमें क्योंकि मिला नहीं था, क्योंकि इस हमारी मार्केट की ये प्रोडक्ट नहीं है। इसमें जो असूली तौर पे गत्ता चलता है वो तकरीबन ये होता है, ये वाला या ब्लीच कार्ड या ये वाला, इस तरह का इतना बारीक गत्ता होता है। जितना ये इतना इससे मोटा गत्ता लगाएंगे तो वो आपके पीसेस जो हैं वो कम निकलेंगे, ठीक है। ये देखें ये गत्ता काफ़ी ज़्यादा मोटा है। ये जो है जिल्दों वाला गत्ता है जो किताबों के ऊपर यूज़ किया जाता है, या कापी वगैरह जो होती हैं बच्चों की उनके ऊपर यूज़ किया जाता है ये गत्ता। ये इसकी जो है वो गेज देखें और इसकी गेज देखें, ठीक है। तो ये हम सिर्फ इसलिए लेके आए हैं ताकि मशीन की वर्किंग आपको दिखा सकें और इसके बारे में आपको बता सकें, वरना आमतौर पर आपने ये गत्ता लेना है या इससे थोड़ा सा मोटा जो ब्लीच कार्ड होता है वो लेना है। तो अभी हम आपको चला के दिखाते हैं मशीन को। यहाँ से हमने मशीन की मोटर जो है वो ऑन कर दी है, हीटर ऑफ किए हुए हैं क्योंकि इसके ऊपर डाइयाँ नहीं है। जब आपने हीटर नहीं लगाने तब आपने हीटर को यहाँ से ऑफ़ कर देना है। अभी हमने इसके ऊपर डाइयाँ लगाई हैं तो ये इसके ऊपर हीटर लगे हुए हैं और यहाँ से हमने इनकी हीट ऑन की हुई है। अब हम जो है वो कटिंग करके दिखाते हैं। यहाँ पे ये आप अंदाज़ा करें, ये डबल हाइड्रोलिक लगा हुआ है, दो हाइड्रोलिक हैं। बाद लोग सेंटर में एक हाइड्रोलिक लगाते हैं और साइड पे एक शाफ्ट या राड लगा के उसमें बैरंग लगा देते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने प्रॉपर चार डाइयों के लिए दो हाइड्रोलिक यूज़ किए हुए हैं और आप इसकी पावर देख सकते हैं कि ये जो है गत्ता जो है वो काटते हुए जो लकड़ी के अंदर ज़्यादा प्रेशर की वजह से लकड़ी के अंदर ब्लेड चला गया है। इससे आपको ब्लेड की क्वालिटी का भी पता चल रहा होगा और गत्ते की कटाई का भी पता चल रहा होगा, क्योंकि कुछ दोस्तों ने पिछली वीडियो में कहा था कि आपने गत्ते की जो कटाई है ना वो नहीं दिखाई, क्योंकि गत्ते की कटाई के ऊपर ही तो मशीन का पता चलता है, वहाँ पे तो ज़ोर लगना होता है ब्लेड और गत्ते की कटाई का। तो मैंने सोचा इसमें आपको पहले कटाई दिखाएँगे, उसके बाद जो है वो मैं आपको इसकी जो शेप बनाने वाला सिस्टम है वो दिखाऊँगा। तो इसमें आपको प्रॉपर मैं गत्ते की मुकम्मल कटाई जो है वो भी सारी दिखा दूँगा। हालांकि ये क्या, जैसा कि मैंने आपको बताया ये गत्ता इसके वाला नहीं है, ये बहुत थिक का है, बहुत इसकी भारी गेज है। ये कापियों किताबों वाला है जो जिल्दों में इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका गत्ते जो ब्लेड है उसका सेंटर होना चाहिए, ऐसे बिल्कुल जितना ब्लेड इस तरफ है उतना ब्लेड उस तरफ होना चाहिए। अगर आपके ब्लेड की अलाइनमेंट आपके हाथ की वजह से सही नहीं है तो फिर वो एक तरफ से ज़्यादा कटाई करेगा, एक तरफ से कम करेगा। वो थले वाली ब्लेड काट ला,
दूसरा साइज वेल है जो नहीं है सारे कटे जी। दोस्तों इन तमाम कटर्स को हमने यहाँ पे रख के ये चारों ब्लेड लगा के जो है गत्ते के हर साइज़ की जो है हमने कटिंग कर ली है। कुछ ज़्यादा हमसे वो बन गए हैं, कुछ थोड़े बन गए हैं, लेकिन आपने जब प्रॉपर काम करना है, हमने तो चूँकि वीडियो के लिए किया है, जब आपने प्रॉपर काम करना है पहले आपने एक साइज़ का साइज़ जो है वो आपने कटिंग करके उसका जो है वो ढेर लगा लेना है, फिर दूसरे साइज़ का ढेर लगा लेना है, फिर और हर एक की जो है वो आपने अलहदा अलहदा से पार्टीशन जो है ना वो कर देनी है। उसके बाद आपने अगर आप चाहें ये चारों डाइयाँ आप सेम साइज़ की भी लगवा सकते हैं, फर्ज करें आपका ये साइज़ ज़्यादा चल रहा है तो आप ये चारों डाइयाँ एक ही साइज़ की भी लगवा सकते हैं। इनके अंदर जो हमने फ्रेम एक डाई से दूसरी डाई में जो एक फ़र्क रखा है वो इसीलिए रखा है, इतनी स्पेस इसीलिए रखी है कि बड़ी डाई भी लगाना चाहें तो बड़ी भी लगा सकें। तो इसका फ्रेम जो इसका बेड है वो हमने बड़ा बनाया हुआ है ताकि बड़ी डाइयाँ बड़े साइज़ की चारों डाइयाँ भी इसमें एडजस्ट हो सकें। तो जोन जोन सा भी साइज़ आपका ज़्यादा चलता है आप वही साइज़ जो है वो हमसे बनवा सकते हैं। और यहाँ पे हम अभी आपको जो है वो इसकी जो है आगे प्लेट्स बना के आपको दिखाएंगे। तमाम डाइयों के नीचे आपने इस तरीके से जो है वो गत्ता रख देना है। क्योंकि हमारा प्लेटें बनाने का कोई रेगुलर एक्सपीरियंस नहीं है तो हमारी स्पीड स्लो है, जो बंदा इस पर बैठ के काम करेगा तो उसकी रोज़ाना की बुनियाद पे रोज़ाना काम करने से उसकी जो स्पीड है वो तेज़ हो जाएगी। और ज़्यादा रखो ज़रा ज़्यादा रखो। तो आपने प्लेटें जो हैं वो कोई 8-8, 10-10 पीस रख लेनी है। अगर आपकी गत्ते की गेज ज़्यादा भारी है तो फिर आपने पीसेस जो है वो कम रखने, अगर आपके गत्ते की गेज जो है हल्की है पतला गत्ता है तो आप पीस ज़्यादा रख लें। तो एक दफ़ा आप गत्ते की गेज के हिसाब से जो है 2-4 दफ़ा आप मटेरियल निकाल लें, अगर उनकी शक्ल बिल्कुल अच्छी बन रही है, शेप बिल्कुल ज़बरदस्त बन रही है तो आप मकदार उनकी बढ़ा दें, अगर उनकी शेप सही नहीं बन रही तो आप मकदार उनकी जो है वो कम कर दें। ये सिंगल फेस पे बनाई गई है और आम घरेलू मीटर पे आप इसको जहाँ मर्जी चला सकते हैं। ये अभी इस तरीके से आपने जो प्लेटें हैं वो रख लेनी है। हमारे पास चूँकि गत्ता थोड़ा है और कुछ डिस्पोजिबल प्लेट वाला गत्ता है भी नहीं, ये जिल्द वाला गत्ता है और बहुत ज़्यादा मोटा है। जब आपका गत्ता बारीक होगा और प्रॉपर प्लेट्स वाला ही होगा फिर उसकी मकदार जो है वो ज़्यादा होगी, वो आप ज़्यादा गत्ते रख सकेंगे। और अभी हम सिर्फ आपको सैंपल के तौर पे वो जो है ना दिखा दें। यहाँ पे मशीन की कोई इतनी ज़्यादा पावर नहीं लगती, कटिंग के ऊपर ही जो है इसकी ज़्यादा पावर जो है वो यूज़ होती है, बिजली भी ज़्यादा कटिंग के दौरान ही मोटर लेती है। तो यहाँ पे ये मोल्ड जो है वो तैयार हो रहा है, यहाँ पे आप देख लें उसकी जो मुकम्मल शक्ल है वो तैयार हो गई है। ठीक है जी, ये प्लेटें हैं सारी, मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको। ये इस तरीके की जो है शक्ल बन गई है। ये अभी इसकी जो शेप है ना, इसकी जो गेज है ना, गेज की वजह से इसकी जो शक्ल है वो थोड़ी सी यहाँ पे बेंड जो है वो कम है। जब आपका डिस्पोजिबल, जैसा कि मैं आपको एक गत्ता यहाँ से रख के भी दिखाता हूँ, अब ये जो गत्ता है ये स्पेशल डिस्पोजिबल प्लेट्स वाला ही गत्ता है। तो ये जो गत्ता है ये हमने मोटा लिया है बाज़ार से सिर्फ मशीन चेक करने के लिए। तो अभी हम आपको चेक कर रखें, मैं ये वाला गत्ता रख के आपको दिखाता हूँ। हीटर चूँकि गर्म होते हैं तो थोड़ा एहतियात जो है वो करनी होती है। ये जो गत्ता है एक ही पड़ा था इसलिए मैंने एक ही रख दिया। आप ज़्यादा गत्ते होंगे, कोई 5-6 इकट्ठे गत्ते इसके अंदर डाई के अंदर रख सकते हैं। जितने गत्ते ज़्यादा होंगे उतना जो टाइम है वो ज़्यादा देना होता है हीट का। उल्टे रख दीजिए। हाँ,
रखी रख रखी। नहीं यार चल चौक चौक एक अभी रहो बस तो दोस्तों इस मशीन के अंदर ये जो मुकम्मल है ये आप नॉर्मल बिजली पे घरेलू बिजली पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कमर्शियल मीटर पे भी आप इसको, दुकान वाले मीटर पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगल फेस पे ये चलती है, 2 हॉर्स पावर की मोटर है और चारों डाइयों के ऊपर 4 हीटर लगे हुए हैं। ये आप ये देख रहे हैं ये चमकदार जो एक कड़ी सी लगी हुई है ये हीटर है, ठीक है। ये चारों हीटर जो है नीचे वाले डाई के साथ होते हैं, ऊपर वाली डाई के साथ नहीं होते। जब ये प्रेस करती है मशीन इसको तो अगर ये हीटर ना चल रहे हो तो ये जो इसका जो डिज़ाइन है ये जो इसके अंदर ये आप इसके अंदर जो देख रहे हैं बेंड पड़े हुए हैं ये जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, यानी प्लेट दोबारा से जल्दी सीधी हो जाती है, प्लेन हो जाती है। तो इसके ऊपर डिजिटल हीटर जो हैं वो मौजूद हैं, आप हीट जो है गत्ते की गेज के लिहाज से आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अगर आपका गत्ता मोटा है और वो ज़्यादा हीट ले रहा है और तो यहाँ से आप ये सेट का बटन है, यहाँ से आप इसको आप करेंगे तो ये 152 आ गया, 53 आ गया, 54 आ गया, 55 आ गया। आप जितनी मर्ज़ी आप हीट यहाँ से डिजिटल जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, जहाँ पे आपने हीट रखनी है वहाँ पे करके आप सेट का बटन जो है वो प्रेस कर दें। ये नीचे वाली जो हीट है ये हमने इसको दे दी है, ये थोड़ी देर बाद 158 पे आके रुक जाएगी और उसको हीटर को वहीं पर मेनटेन रखेगी। तो ये डिजिटल मीटर इसके साथ है, ब्रेकर इसके अंदर है, ये मोटर का ऑन ऑफ है जो मेन मोटर है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर जो हाइड्रोलिक और असम्बली यूज़ की गई है वो ताइवान की है। इसके अंदर जो हाइड्रोलिक यूज़ किए गए हैं वो 2 है, एक ये हाइड्रोलिक है एक ये हाइड्रोलिक है, डबल हाइड्रोलिक की पावर है। ये कटिंग के अंदर जो है इसका बड़ा फ़ायदा होता है कि 2 हाइड्रोलिक जो है वो पावर दे रहे होते हैं। आमतौर पर डबल डाई वाली मशीन में जो है 1 हाइड्रोलिक होता है यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर 2 हाइड्रोलिक लगे हुए हैं। आप 2 मशीनें लें तो ये वो आपको तकरीबन 3.5 लाख की मिलेंगी, और अगर आप ये मशीन एक ही फ्रेम के अंदर 4 डाइयाँ लगवा लेते हैं 2 हाइड्रोलिक, वही चीज़ है सेम, 2 डाइयाँ उसके अंदर भी, दूसरी मशीन के अंदर भी 2 डाइयाँ और 1 हाइड्रोलिक होता है। फ़ायदा ये है कि उस मशीन के अंदर जो मोटर होती है और इस मशीन के अंदर जो मोटर होती है, इसके अंदर 2 मोटरें नहीं होती, एक ही मोटर दोनों हाइड्रोलिक को जो है वो चला रही होती है, ठीक है। बिजली का ख़र्चा जो है वो कम है, लेबर की जो जो आप लेबर होती है उसके ऊपर वो आपको कम पड़ती है, क्योंकि इसके ऊपर सबसे पहले जो बड़ा फ़ायदा होगा वो ये होगा कि ये जो मशीन है इसके ऊपर आपकी प्रोडक्शन जो है वो 2 मशीनों के बराबर होगी। जो डबल डाई वाली आप 2 मशीनें लेते हैं 3.5 लाख में, अगर आप 3.5 लाख की 2 मशीनें ले रहे हैं तो इस मशीन की जो प्राइस है 2 मशीनों की निस्बत 40% कम है, 40% मशीन की प्राइस कम है। इसमें जो हम अजाफी पैसे लेते हैं 1,70,000 की इस वक्त मशीन जो है वो डबल डाई वाली चल रही है, तो हम जो अजाफी पैसे लेते हैं वो जो हाफ फ्रेम हमने अजाफी यूज़ किया है, 2 डाइयाँ और हीटर और 2 कटर जो यूज़ किए हैं, 1 हाइड्रोलिक जो यूज़ किया है, सिर्फ उसी के ही पैसे हैं। हमें इस मशीन में से भी उतने ही पैसे बचते हैं जितना के डबल डाई वाली में से बचते हैं। तो हमने अपना जो प्रॉफिट है वो नहीं बढ़ाया, बल्कि ऊपर जो एक्चुअल कॉस्ट आती है सिर्फ हम आपसे वही लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपकी जो जो कस्टमर को जो बेनिफिट दिया है वो प्राइस के अंदर 40% जो है 2 डाइयों वाली मशीन की निस्बत कम है। तो हमारा जो मार्जिन है वो इस मशीन में भी उतना ही है जितना 2 डाइयों वाली में है। ऐसा नहीं है कि 2 डाइयों वाली मशीन में से हम पैसे कम बचा रहे हैं और इस मशीन में 4 डाइयाँ तो हम पैसे ज़्यादा कमा रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में जो कॉस्ट ज़्यादा आती है हम इस मशीन के अंदर वही लेते हैं,
दूसरा फ़ायदा ये होता है जब आप ये मशीन लेते हैं, इसमें दो हाइड्रोलिक जो है एक साथ काम करते हैं, दोनों हाइड्रोलिक जब एक साथ काम करते हैं तो ये देखें, जैसे कि ये सेंटर में हमने कटर रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोलिक इधर से पावर देता है, एक इधर से पावर देता है, तो ये दोनों इसको पुश करते हैं तो ये जो बैलेंस है ना पावर का वो बड़ा ज़बरदस्त आता है और कटिंग जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से हो जाती है। तो इसमें कटिंग का जो है मज़ा है ना वो भी ज़्यादा है, मोटर के ऊपर लोड नहीं पड़ता, मोटर के ऊपर जो है वो ज़्यादा प्रेशर नहीं आता, तो मोटर बिजली भी कम खाती है। दूसरा फ़ायदा ये हो गया। तीसरा फ़ायदा, आपकी जो लेबर कॉस्ट है वो कम पड़ती है। आप जो है एक डबल डाई वाली मशीन पे अगर 8 घंटों में फ़र्ज़ कर लें 100 किलो गत्ता आप जो है वो तैयार कर रहे हैं, 100 किलो, ठीक है, आप इसी मशीन पे उस पर डबल गत्ता जो है वो डबल प्लेट जो है वो डबल प्रोडक्शन आप निकाल सकते हैं। उससे आपकी जो लेबर कॉस्ट है, जो बिजली की कॉस्ट है, ये दोनों चीज़ें आपकी कम हो जाती हैं। अगर आप इसके बावजूद भी अगर आप डबल डाई वाली मशीन बनवाना चाहें तो हम डबल डाई वाली मशीन भी बना देंगे। अगर आप इस तरीके से कटर अलहदा लेना चाहें तो कटर, चूँकि ये बड़ी मशीन है तो इसका बड़ा साइज़ है, कटर अगर स्पेशल बनवाएंगे तो कटर इसके हाफ़ साइज़ का होगा और प्राइस में भी हाफ़ होगा, ठीक है। तो ये कटर जो है आप अलहदा लेना चाहें कि ऐसे गत्ते की कटिंग अलहदा कर लें और जो डाइयों वाली मशीन है वो आप अलहदा ले लें तो अलहदा भी ले सकते हैं। अगर आप नहीं अफोर्ड करते तो आप ये चारों डाइयाँ उतार के, जिनके साथ ये स्क्रू लगे हुए हैं, आप इनको खोलेंगे तो ये डाई बाहर आ जाएगी। ये चारों डाइयाँ उतार के तो आप इस तरीके से इसको कर लेंगे और उसके बाद आप अपनी गत्ते की कटिंग कर लें, और गत्ते की कटिंग करने के बाद आप जो है वो इस चारों डाइयों को दोबारा से फिट करें और दोबारा आप अपनी जो प्लेट्स हैं वो आप सारी निकाल लें। ये थी आज की वीडियो। इसके अलावा भी हमारे पास मसाला जात की, सरफ़ की, निमकों की, सलंटी की, साबुन की मशीनरी जो है वो बनती रहती है। अगर आप किसी किस्म की मशीन बनवाना चाहें तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और हमारी जो वर्कशॉप है वो आप किसी टाइम भी, जुम्मे की छुट्टी के अलावा आप किसी टाइम भी आप विज़िट कर लें। जुम्मे के दिन छुट्टी होती है, छुट्टी वाले दिन को छोड़ के आप किसी भी टाइम जो है हमारी वर्कशॉप को जो है वो विज़िट कर सकते हैं। आप सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक कॉल करके किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या बजरिया व्हाट्सएप सारी मालूमात आप ले सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।